तो गाइस फाइनली गेम के अंदर ओबी 43 अपडेट आ चुका है और इसमें क्या हो रहा है कि वांट फिट शॉट काफी सारे लोगों का सही से नहीं लग रहा है और इसी में काफी सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहा है कि भाई नया सेंसिटिविटी सेटिंग का एक वीडियो लेकर आओ। देखो जैसे ही गेम के अंदर ओबी 43 अपडेट आया उसी टाइम ही काफी सारे लोगों का गेम से कंट्रोल बिगड़ गया है, यानी वांट फिट शॉट सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जिसको नहीं पता है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे ही नया कोई अपडेट आता है यानी ओबी पैच अपडेट आता है उसी टाइम यहाँ पर गेम का सेंसिटिविटी में भी काफी ज्यादा चेंजेस होता है और उसी टाइम तुम्हें नया सेंसिटिविटी सेटिंग का सेटअप करना पड़ता है और इसमें अगर तुम सही से कर लेते हो तो तुम पहले से भी बेटर वांट फिट शॉट ले सकते हो। तो चलो बात करते हैं एक एक करके तुम्हें सेंसिटिविटी सेटिंग आफ्टर अपडेट के बाद क्या रखना चाहिए। और यहाँ पर अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो आप फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या तुम भी क्रिएटर बनना चाहते हो और तुम्हें प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है? इसलिए मैं क्रिस सिन्हा लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग या पर तुम्हें ऑडियो एडिटिंग का भी प्रॉपर गाइड दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके अलावा यहाँ पास सिनेमेटोग्राफी के बारे में भी काफी कुछ सिखाया जाएगा। अगर तुम ये सब सीखना चाहते हो, आई मीन इंटरेस्ट हो, तो तुम चैनल पे आ सकते हो। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा, अगर तुम इंटरेस्ट हो तो चैनल पे आओ और कॉन्टेंट अगर तुम्हें बढ़िया लगे तभी सब्सक्राइब करना। देखो यहाँ पर जैसे ही तुम गेम के अंदर आओगे यहाँ पर तुम्हें जो सबसे पहला सेंसिटिविटी सेटिंग देखने के लिए मिलता है वो है जनरल सेंसिटिविटी। देखो यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। देखो यहाँ पर रेड डॉट का काम क्या होता है? रेड डॉट का काम होता है जब भी तुम कोई भी गन का स्कोप यूज नहीं करते हो यानी विदाउट स्कोप फायर करते हो उसी टाइम तुम्हें यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी काम में आता है। और इसके साथ वांट फिट शॉट का उतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं रहता है, लेकिन इसमें जो है तुम्हें रिकॉइल का प्रॉब्लम जरूर देखने के लिए मिलता है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आफ्टर अपडेट के बाद रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग को 93 पे सेट करके रखना चाहिए। यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी को तुम्हें 93 पे सेट करना है। अभी बात करते हैं यहाँ पर 2x स्कोप के बारे में। देखो यहाँ पर तुम नाम सुन के ही पता लगा सकते हो यहाँ पर जो 2x स्कोप का सेंसिटिविटी है ये बेसिकली किस काम में लिया जाता है। ये काम करता है जब भी तुम किसी भी गान के साथ 2x स्कोप को यूज करते हो और इन स्कोप हेडशॉट लेने की ट्राई करते हो उसी टाइम ये 2x स्कोप का सेंसिटिविटी काम करता है। और ये सेंसिटिविटी तुम्हें जितना ज्यादा होगा उतना ही तुम यहाँ पर अच्छा खासा हेडशॉट ले पाओगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही तुम किसी भी एनिमी के ऊपर स्कोप ऑन करके ड्रैग करते हो यहाँ पर ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, एम एक ही जगह चिपक के रह जाता है जैसे कि तुम अभी देख रहे हो। और इसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें यहाँ पर 2x स्कोप का सेंसिटिविटी को हाई रखना पड़ता है, यानी तुम्हें 100 पे सेट करके रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ठीक उसके नीचे तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 4x स्कोप का सेंसिटिविटी। और 4x स्कोप भी सेम वैसा ही है 2x की तरह, लेकिन 2x में 2x जब यूज करते हो उसी टाइम में आता है। और 4x में जब भी तुम किसी भी गान में 4x स्कोप को यूज करोगे उसी टाइम यहाँ पर 4x स्कोप का सेंसिटिविटी काम में आएगा। और इसको भी तुम्हें क्या करना है, 100 पे सेट करके रखना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें 2x को भी 100 पे सेट कर लेना है और यहाँ पर तुम्हें 4x को भी 100 पे सेट कर लेना है। अभी बात करते हैं यहाँ पर स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी तुम्हें क्या रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्नाइपिंग करने के लिए तुम्हें जितने सारे गान मिलता है गेम के अंदर वो सारे गान के लिए ये सेंसिटिविटी सेटिंग यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिलता है। और ये सेंसिटिविटी सेटिंग तुम अगर मेरे तरह रखोगे, यानी जैसे कि मैं कभी कभार 100 पे भी इसको यूज करता हूँ, और तुम अगर अच्छे से स्नाइपिंग नहीं यूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर उतना ज्यादा बढ़िया सेंसिटिविटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसी टाइम तुम स्नाइपिंग को मैनेज नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेंसिटिविटी को तुम खुद रख लो। अगर तुम अच्छा खासा स्नाइपिंग चलाते हो तो तुम इसको 80 प्लस रख सकते हो, और अगर तुम उतना ज्यादा स्नाइपिंग यूज नहीं करते हो तो तुम यहाँ
आप पर इसको 65 के आसपास सेट कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें लास्ट में देखने के लिए मिलता है फ्री लुक। देखो फ्री लुक का वन टैप हेडशॉट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। फ्री लुक बेसिकली एक बटन की सेंसिटिविटी होता है जो तुम्हें वन टैप मारने के लिए कुछ भी तरह से हेल्प नहीं करेगा, और इसीलिए तुम इसको अपने हिसाब से रख दो, कहीं पर भी रख दो भाई, कुछ नहीं होगा। और अभी फाइनली बात करते हैं जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। देखो यहाँ पर जो जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग है ये ओवरऑल मोमेंट स्पीड को इंक्रीज करता है, यानी तुम्हारे डिस्प्ले के अंदर जो मोमेंट स्पीड रहेगा उसी को इंक्रीज करता है यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी। और अगर तुम यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को सही से सेट नहीं करोगे तो तुम यहाँ पर वन टैप हेडशॉट अच्छे से नहीं ले पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा जनरल सेंसिटिविटी को एक बार अच्छे से सेट करो। यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, जो लोग 4GB से ऊपर वाले डिवाइस यूज करता है यानी 6GB 8GB 12GB ऐसा कुछ डिवाइस अगर तुम लोग यूज करते हो तो जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे सेट करके रखना। और अगर तुम 4GB से नीचे वाला डिवाइस यूज करते हो जैसे कि 2GB 3GB 4GB इसमें तुम्हें क्या करना है, ये सेंसिटिविटी को तुम्हें 90 पे सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई एंड डिवाइस में तुम इसको ज्यादा रखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर जैसे ही तुम लो एंड डिवाइस के अंदर सेंसिटिविटी सेटिंग को आफ्टर अपडेट के बाद हाई रखते हो यानी 100 कर लेते हो, उसी टाइम जो है गेम भी थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें वन टैप हेडशॉट भी उतना बढ़िया नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा अगर तुम 4GB के ऊपर वाले डिवाइस यूज कर रहे हो तो इसको 100 कर लो, और अगर 4GB से नीचे वाले डिवाइस यूज कर रहे हो तो इसको तुम्हें 90 पे सेट करके रखना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा सेंसिटिविटी सेटिंग को एक बार कॉपी करो तुम्हारे डिवाइस के अंदर, फिर तुम्हें हेडशॉट कैसा देखने के लिए मिल रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटक से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। और OB43 अपडेट के बाद कौन सा तुम्हें फायर बटन यूज करना चाहिए उसको भी अगर तुम्हें पता लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया OB43 बेस्ट टॉप 5 फायर बटन साइज, तो अगर तुम्हें फायर बटन साइज भी एक परफेक्ट जरूरत है तो तुम वो वीडियो देख सकते हो, उसमें तुम्हें प्रॉपर गाइड मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा वो भी तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।